How are you? I hope you all are fine. Today I am going to continue linear equation in one variable exercise 2.2 part 2 question number 6 to question number 10. इसके पहले वाले जो questions हैं question 1 to question number 5 already हम कर चुके हैं और अगर आपने मेरा video नहीं देखा है so please subscribe my channel for more videos. Okay? तो चलिए हम start करते हैं question number 6 से. Here is our question number 6. So, what is our question number 6? 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? 3 integers are consecutive means जो एक के बाद एक आते हैं और उनको हम अगर add कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको 51 मिल रहा है. क्वेश्चन में आपको गिवन है तो आपको पता लगाना है कि व्हाट आर दीज इंटीजर्स, वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से हैं जिनको ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा 51. चलिए ऑलरेडी अगर हमें नहीं पता है तो हम क्या सपोज करेंगे यहाँ पे एक्स लेंगे कि लेट दिस 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी एक्स. जो पहला इंटीजर है वो एक्स है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, सो नेक्स्ट होगा एक्स प्लस 1 सेकेंड इंटीजर एंड थर्ड इज एक्स प्लस 2. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या गिवन है हमें, गिवन एक्स फर्स्ट इंटीजर सेकेंड एक्स प्लस 1 थर्ड एक्स प्लस 2, इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना मिलना चाहिए 51. तो ये हमारी कंडीशन है. अब इसको सॉल्व करेंगे सो एक्स एक्स एंड एक्स, हाउ मेनी एक्स आ गया 3x, सो 3x एंड 1 प्लस 2 इज 3 इक्वल्स टू 51. नाउ ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई है. अब हम क्या कौन सी मेथड का यूज करेंगे, ट्रांसपोज मेथड का यूज करेंगे. सो हियर वी आर यूजिंग द ट्रांसपोज मेथड एंड वी आर ट्रांसपोजिंग 3 फ्रॉम LHS टू RHS वी गेट. सो यह प्लस का 3 था तो इधर RHS में आके माइनस का 3 हो जाएगा. सो 3x इज इक्वल्स टू 51 माइनस 3. जब हम 51 को 3 में 3 को 51 में से माइनस करेंगे 51 माइनस 3 तो हमें क्या मिलेगा 48 और 3x हमारा एज इट इज चल रहा है. नाउ अब आप देख रहे हैं कि x के साथ क्या है 3, क्योंकि हमें तो यहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो 3 जो ये मल्टीप्लाई में वो यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा. सो डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ द साइड्स वी गेट, सो आपको अगर आप यहाँ ऐसे करेंगे डिवाइड करेंगे 3 से तो 3x अपॉन 3 क्या बचेगा आपका, खाली x बचेगा और 48 बाय 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 16. ओके सो therefore अब आपको क्या x की वैल्यू निकल गई, मतलब हमारा पहला इंटीजर जो था यहाँ पे x वो आ गया है अब हमारा. सो therefore x इज इक्वल टू 16. सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस 1 मीन्स 16 प्लस 1 17. थर्ड इंटीजर आपका आएगा x प्लस 2 मीन्स 16 प्लस 2 दैट इज 18. सो हियर वो कौन से 3 इंटीजर है जिनको एडअप करने पे 51 आएगा, हिंस 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर 16 17 एंड 18. आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, इन तीनों का आप ऐड करिए और देखिए आपका आंसर 51 आया. ओके तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर क्वेश्चन 7. क्वेश्चन 7 इज द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888. फाइंड द मल्टीपल. अब सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, यहाँ पे क्या बोला गया, कॉन्जिक्यूटिव वही जो एक के बाद एक आते हैं आपके कंटिन्यूस हैं. मल्टीपल्स किसके मल्टीपल्स, 8 के मल्टीपल्स. अगर आप उनको क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं उनको, ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है आंसर 888. तो देखते हैं हमारे पास वो नहीं इंटीजर्स नहीं है तो हम सपोज करेंगे लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या ले लिया हमने 8a. सेकेंड क्या हो जाएगा आपका कॉन्जिक्यूटिव थे इसलिए क्या हो जाएगा आपका 8a+1. सेकेंड थर्ड हो जाएगा 8a+8 into a+2. ओके सो क्लियर है आपको जो मल्टीपल्स हैं 8 के, आपका फर्स्ट मल्टीपल है 8a, फिर सेकेंड मल्टीपल है 8 ब्रैकेट में a+1 एंड थर्ड मल्टीपल है 8 ब्रैकेट में a+2. चलिए अब आपको इनको तीनों को कंडीशन क्या है कि इनको ऐड करना है तो हम यहाँ ऐड करेंगे तो आपको आंसर गिवन है कि कितना मिलेगा 888. सो 8 आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 8 यहाँ भी है यहाँ भी है और यहाँ तीनों में है तो हम 8 को कॉमन ले लेते हैं. ये 8 हमारा बाहर है, अंदर अगर इसमें से 8 गया तो a बचेगा, इधर आपका a+1 बचेगा और इधर आपका a+2 बचेगा और ये आपका 888 एज इट इज़ चल रहा है. अब ये इसको देखिए, इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3a है यहाँ पे तो 3a
और 1 plus 2 3 3, और ये आपका एज इट इज चल रहा है 888। नाउ आप क्या करेंगे, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय 8 ऑन बोथ द साइड्स भी है। ओके एक्चुअली हमें यहाँ पे एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हैं। सो हम डिवाइड करेंगे इसको, व्हेन वी विल डिवाइड 8 इनटू ब्रैकेट में आपका 3a + 3 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3a + 3। यहाँ पे आप 888 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल करेंगे तो 8 1 8, और फिर अगेन 8 1 8 8 1 8, सो आपका आ जाएगा 111। ओके चलिए अब आपकी ये इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, मींस ट्रांसपोज मेथड का यूज करेंगे, वेरिएबल और इंटीजर्स को सेपरेट करेंगे। सो हियर वी आर यूजिंग ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज करेंगे 3 को फ्रॉम LHS टू RHS, प्लस का 3 है सो RHS में आके माइनस का 3 हो जाएगा। 3A इक्वल्स टू 111111 माइनस 3, मीन्स 111 माइनस 3 अगर हम करेंगे तो आपको आएगा 108, और ये 3A एज इट इज चल रहा है। अगेन हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, A के साथ क्या है आपका 3 है, हमें केवल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम यहाँ पे इसको अकेला करने के लिए डिवाइड करेंगे 3 से ऑन बोथ द साइड, सो वी गेट, जब हम डिवाइड करेंगे सो 3A/3, तो 3 से 3 कैंसिल होगा और आएगा आपका A। यहाँ पे 108 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका आंसर 36। कैसे, तो 3 1 3 3 3 9, और 1 बचेगा आपका 1, तो 3 6 18, तो आपका आएगा 36। सो अब हमारी A की वैल्यू फाइंड आउट, A की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो गई। तो आपका देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या लिया था, 8A, सो मीन्स फर्स्ट वाले के लिए आप देयरफॉर 8A इज इक्वल्स टू मीन्स 8 into 36, सो 8 into 36 करेंगे तो आपका आएगा 288। नाउ सेकेंड है आपका 8 ब्रैकेट में a+1, सो हियर a और a की वैल्यू पुट करेंगे 36 और प्लस 1, तो 36 + 1 होगा 37, और ये ब्रैकेट हटेगा तो इंटू आएगा एंड इंटू 8, तो आएगा 296। थर्ड है आपका 8 ब्रैकेट में a+2, सो 8 ब्रैकेट में जो a था उसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं 36 + 2, तो 36 + 2 इज 38, और 38 ये ब्रैकेट हटेगा तो इनटू, देन मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आएगा 304। सो दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स 288, 296 एंड 304। अगेन हम क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि अगर हम इनको प्लस करेंगे सो हमारा आंसर क्या आएगा, 888। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली दे एड अप टू 74। फाइंड दीज नंबर्स। चलिए पहले हम क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं कि 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि अगर आप उनको क्या करेंगे, व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले को 2 से, फिर सेकंड को 3 से, 4 को, और फिर आप मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 74। अब आपको पता लगाना है कि वो इंटीजर्स कौन से हैं, कॉन्सिक्यूटिव मतलब भाई एक के बाद एक आने वाले। तो हमने 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स ले लिए, लेट द 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, पहला ले लिया ए क्योंकि हमें पता नहीं है वैल्यू निकालनी है, सेकेंड लेंगे a+1 कॉन्सिक्यूटिव था, थर्ड लेंगे a+2। अब आपको बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये a फिर a+1 और a+2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वाले को रिस्पेक्टिवली, भी मतलब होता है एक के बाद जब आप करेंगे, जैसे लिया है वैसे ही आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेने के बाद मल्टीप्लाई करना है। सो 2a सेकेंड वाले का 3 से एंड थर्ड वाले का 4 से, एक तो आपको आंसर मिलेगा 74, ये कंडीशन गिवन है आपकी। चलिए अब 2a, अब ये 3 ब्रैकेट में है a+1 और इधर है 4 ब्रैकेट में a+2, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2a एज इट इज आएगा, इस 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होगा सो 3a 3a एंड 3 into 1 3, अगेन 4 into a 4a प्लस एज इट इज आ जाएगा एंड 4 into 2 8, या इक्वल्स टू 74। अब देखिए आप a वालों को जो है हम पहले प्लस कर लेंगे, सो 2a + 3a 5a एंड 5a + 4a 9a। अब देखिए यहाँ पे एंड 3 + 8 3 + 8 होगा आपका 11 इक्वल्स टू 74 एज इट इज चल रहा है। अगेन हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो वी कैन यूज द ट्रांसपोज मेथड। 11 को ट्रांसपोज करेंगे हम यहाँ पे
from LHS to RHS we get. Plus का 11 था, so RHS में आके minus का 11 हो जाएगा, so 9A equals to 74 minus 11. 74 में से अगर आप 11 को minus करेंगे, so answer is 63 and here is 9A. हमें A की value find out करनी है, but यहाँ A के साथ 9 है, so हम A divide करेंगे both the sides को 9 से. So dividing by 9 on both the sides we get 9a by 9, so 9 से 9 कैंसिल होगा, सो बचेगा केवल a और 63 by 9, so 9 के टेबल में 63 कितने टाइम्स बना था, 7 टाइम्स. अब हमारी a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. अब हमें हमने लिया है कि जैसे फर्स्ट हमारा इंटीजर था a, तो फर्स्ट की वैल्यू तो आ गई आपकी कितनी, 7. a सेकंड वाला था a प्लस 1, तो हम करेंगे a की जगह पे 7 रखेंगे, 7 प्लस 1 8. थर्ड वाला था a प्लस 2, अगेन a की जगह पे 7 रखेंगे एंड 7 प्लस 2 9. Therefore, जो required number है वो आ गए आपके consecutive 7, 8 and 9. Okay. चलिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आप क्रॉस चेक कैसे फिर से कर सकते हैं कि आप इन 7, 8 और 9 को क्या बोला गया है इन्होंने, ये आपके नंबर आए. और कंडीशन में क्या था कि आप पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करें, सेकेंड वाले को 3 से एंड थर्ड वाले को 4 से, तो आपका आंसर जो आएगा वो आपको 74 मिलेगा. और किस ऑर्डर में लेना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो आप क्रॉस चेक करिएगा और देखिएगा आपका आंसर करेक्ट है. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7. एज का रेशियो दिया हुआ है आपका राहुल और अरुण का, कि उनका रेशियो कितना है, 5:7. 4 ईयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर. व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज. मतलब 4 ईयर्स लेटर मतलब 4 साल बाद उनकी दोनों की एज का अगर हम सम करेंगे तो कितना मिलेगा, 56 इयर्स. अब आपको बताना है प्रेजेंट एज, मतलब अभी उनकी एज क्या है. तो अब हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेशियो गिवन है. तो अब हमें ले लेते हैं, लेट द एज ऑफ राहुल 5x एंड एज ऑफ अरुण इज 7x. क्योंकि राहुल और अरुण की, मतलब ये पहला वाला राहुल था और ये आपका 7 अरुण के लिए, तो एज ऑफ राहुल 5x लिया है एंड एज ऑफ अरुण इज 7x. After 4 years, later मतलब after, बाद में. After 4 years, the age of Rahul, तो अगर आज कोई भी, अगर आज आप 5 साल के हो, तो अगले 4 साल बाद कितने ओके हो गए, 5+4 के मतलब 9 के. तो आपको क्या करना है, 4 years later, मतलब आपको जो अभी एज है उसमें क्या करना है, प्लस 4. तो ये हो गया 5x+4 और हरुण में हो जाएगा 7x+4. गिवन कंडीशन आपको ऑलरेडी गिवन है कि 4 साल बाद अगर उन दोनों की एज का सम करोगे तो आपको 56. तो ये 4 साल बाद उनकी एज कितनी बता रहे थे, 5x+4 एंड 7x+4 इक्वल्स टू 56. सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5x+4 प्लस 7x+4, तो एक्स एक्स को ऐड करेंगे तो 5x+7x हो जाएगा आपका 12x एंड 4 + 4 = 8 इक्वल्स टू 56. अगेन हम ट्रांसपोज मेथड का यूज करेंगे, आप 8 को ट्रांसपोज करेंगे LHS से RHS. LHS to RHS भी है, प्लस का 8 था तो RHS में आके माइनस का 8 हो जाएगा, सो 12x अकेला रहेगा यहाँ पे. 56 माइनस 8 करेंगे तो आपका आएगा 48 एंड 12x. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो अगेन वी हैव टू डिवाइड बाय 12 ऑन बोथ द साइड्स. सो 12x बाय 12 करेंगे तो 12 से 12 कैंसिल x, और 48/12 करेंगे तो 12 के टेबल में 48 कितने टाइम्स में आता है, 4. तो ये आ गया आपका 4. मीन्स आपकी x की वैल्यू फाइंड कर लिया. अब जो कि आपने सपोज किया था कि क्या है, देयर फोर एज ऑफ राहुल, अब क्या हो जाएगी, 5x, मतलब x की जगह पे क्या हो जाएगा, 4. तो 5 × 4 = 20 एंड एज ऑफ अरुण इज 7x, तो 7 × 4 = 28 ईयर्स. तो ये आपकी प्रेजेंट एज निकल के आ गई है राहुल और हरुण की. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 10. द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो. बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है क्लास में कितना, 7:5. 7 बॉयज का है और गर्ल्स का 5 गिवन है. द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. क्या कंडीशन है, क्या बताया है यहाँ पे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो 8 मोर हैं देन द नंबर ऑफ, जितनी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं अभी हमें पता नहीं कितनी है, पर जितनी भी गर्ल्स हैं उनसे 8 बॉयज़ ज़्यादा हैं क्लास में. व्हाट इज द टोटल
क्लास स्ट्रेंथ, आपको बताना है कि टोटल क्लास स्ट्रेंथ मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं गर्ल्स और बॉयज को मिला के। लाइक तो अब हम लेते हैं यहाँ पे, सपोज कर लेते हैं बॉयज है हमारे 7x और गर्ल्स है हमारी 5, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x। कंडीशन क्या गिवन है आपको यहाँ पे, जो आपका दिया था कि नंबर ऑफ बॉयज क्या है 8 मोर है, गर्ल्स से ज्यादा है आपके, है ना क्लास में। सो जो आपका क्या था यहाँ पे, ये आपका बॉयज है और ये आपकी गर्ल्स है, तो ये बॉयज में से अगर 8 ज्यादा थे, अगर आपको दोनों को इक्वल करना है तो कैसे, जो बॉयज है उसमें से 8 को माइनस कर देंगे इक्वल्स टू 5x, मतलब ये आपको एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है कि बॉयज जो है उसमें से 8 माइनस करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि 8 बॉयज ज्यादा थे, तो 7x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 5x। अब ट्रांसपोज करेंगे 7x को फ्रॉम LHS टू RHS, प्लस का 7x था तो RHS में आके माइनस का 7x हो जाएगा, माइनस 8 और ये 5x माइनस 7x, सो 5x माइनस 7x करेंगे तो आएगा माइनस 2x, और इधर माइनस 8 एज इट इज चल रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा सो आएगा 8 इज इक्वल्स टू 2x। अब डिवाइड करेंगे बोथ द साइड्स को 2 से तो वी गेट 8 इक्वल बाय 2 एंड 2x बाय 2, सो 2 से 2 कैंसिल सो हियर इज x एंड 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स में सो 4, सो x इज इक्वल्स टू 4। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है सो हम काउंट कर सकते हैं कि हमने जो नंबर ऑफ बॉयज लिए थे 7x, तो x की प्लेस पे आ जाएगा 4, सो 7 इंटू 4 इज 28 बॉयज हैं क्लास में, एंड सो द देयर फोर द नंबर ऑफ बॉयज इज 7x, एंड सो नंबर ऑफ बॉयज जो है हमारे वो कितने हो गए 28, एंड हियर इज नंबर ऑफ गर्ल्स, सो वी हैव टू करेक्ट हियर दैट इज नंबर ऑफ गर्ल्स, दिस इज नंबर ऑफ गर्ल्स जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं आपकी वो हो जाएंगी, नंबर ऑफ कितना लिया था हमने यहाँ पे उनका रेशियो 5x लिया सर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5x, तो x की प्लेस पे क्या रखेंगे हम 4, सो 5 इंटू 4 होगा आपका 20। अब बट आपको यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स आ गए हैं, तो अब आपको टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है, तो हम सम करेंगे नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का, सो हिन्स द टोटल स्ट्रेंथ इज 28 प्लस 20 दैट इज 48 स्टूडेंट्स, मीन्स क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 48 स्टूडेंट्स। ओके हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो।